तरफ विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण दलदल कीचड़ युक्त पानी से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान व सचिव से कीचड़ युक्त गली से निजात दिलाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने ऐसा देखकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से विकास कराने की मांग की है। क्षेत्र के ग्राम बिगरई में लगभग 300 मीटर सीसी सड़क पर कीचड़युक्त पानी भरा हुआ है, जिससे मजबूर ग्रामीणों को कीचड़युक्त पानी से घुसकर निकलना पड़ता है। ग्रामीण जगनंदन, मुंशीलाल, भूरे सिंह, किशन चंद्र, अखिलेश आदि का आरोप है कि शासन से विकास के नाम पर लाखों रुपए ग्राम पंचायत में खर्च किए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव ने बिगरई से कुरावली जाने वाले मार्ग तक जुड़ी है, जबकि गांव से गुजरने वाली सड़क की पटरी का इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराया है, जिसमें ग्राम प्रधान सचिव ने लाखों रुपए खर्च किए, जबकि यहां समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। राह से निकलने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहां पर कार्य न कराकर पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग कार्य कराकर लाखों रुपए खर्च किए गए। वहीं ग्राम पंचायत में देखा जाए तो कई कार्य फर्जी तरीके से कराए गए। ग्रामीणों का कहना है कि इंडिया मार्ग का हैंडपंप मरम्मत व मिट्टी कार्य के नाम पर लाखों रुपए फर्जी निकालकर बंदर बांट किया गया है, जबकि हम लोग कीचड़युक्त गली से निकलने को मजबूर हैं। कोरोना के चलते उच्च अधिकारियों से कीचड़युक्त गली की शिकायत नहीं कर सके, जबकि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से यहां कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए धनराशि की जाँच कराकर कीचड़युक्त गली बनवाने की मांग जिलाधिकारी से की। गाँव कौन सा आपका? क्या समस्या है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे साहब, मतलब मेरा साहब, मतलब जो गली में मतलब पानी से 4-6 महीने हो गए हम इस हालत में गुजर रहे हैं कि बच्चे भी मतलब बीमार पड़ जाते हैं, और गली में कीचड़ और प्रधान मतलब पीडब्ल्यू सड़क में लखों को हिसाब कर रहा है, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और समस्याएं मेरी समस्याएं ऐसी हैं कि मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ग्राम पंचायत में जहाँ पैसा लगाया जा रहा है, बेवजह लगाया जा रहा है। बिल्कुल बेवजह लगाया जा रहा है, और इसे कहते हैं मतलब प्रधान से कई मतलब गली को मतलब देख जाते हैं, हंस के चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं। इस गली से कितने लोगों का निकास है लगभग? इस गली से मतलब करीब एक चौथाई गाँव बसता, अलग अलग मोहल्ला है पूरे गाँव की गली से। क्या नाम है आपका? मुंशीलाल। गाँव कौन सा आपका? बिगरई। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब, जो हमारे बिगरई में मतलब जो गली है, इस गली में बहुत हालत खराब है, 4 महीने से पानी में निकल रहे हैं। अगर प्रधान से कहते हैं तो मतलब कहते थे काम हो गया, नहीं क्यों मतलब कहने मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है। और जहाँ पैसा लगना नहीं है वहाँ पैसे लगा रहे हैं, जैसे कि रोड पे पीडब्ल्यूडी का काम होता है, वहाँ प्रधान अपना काम चलाता है, इंटरलॉकिंग बिछा रहा है, ऐसा काम करना नहीं मतलब जो कहते हैं तो गली के बारे में नहीं सुनता है। कितना रुपया ऐसा है जो पीडब्ल्यूडी की सड़क में लगाया गया? बिल्कुल लाखों रुपए का हिसाब देखा जाए तो लाखों रुपए का हिसाब मतलब हो जाता है इसमें। नाम आपका? जगनंदन। गांव कौन सा आपका? बिगरई। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये नाली 4 महीना हो गए कम से कम, हर आदमी से कहते कोई सुनवाई नहीं। लॉकडाउन के बारे हम लोग डीएम साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं गए क्योंकि उल्लंघन होता है चीज को, बार बार कहने के बाद भी प्रधान नहीं सुनता। हमारे गाँव में लाखों रुपए का घोटाला हो चुका है, बार बार कहने के बाद हम लोग 4 महीना से बच्चे हाथ पैर टूट जाते, अस्पताल में भी कोई सुनवाई नहीं होती एकदम। अभी हमारा भतीजा गिरा हुआ, उसकी बांह टूटी हुई है। आप लोग कीचड़ से निकल रहे हैं? 4 महीना थे कम से कम। नाम आपका? किशन चंद। गाँव कौन सा आपका? बिगरई। किस कारण आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सर कारण, ये रोड, ये गंदगी यहाँ पर 4-6 महीने से हो रही है, और प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारे लोगों की, और बेवजह पैसा लगाया जा रहा है, लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई सेक्रेटरी सुन रहा है। ग्राम प्रधान से आप लोगों ने कहा? हाँ, शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन से आप लोगों मिले कभी? हम तो गए ना, ग्राम प्रधान से ही बात भाई है। लॉकडाउन के चक्कर में